हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए रावेत एनएक्स लोकेशन से एक न्यूली लॉन्च्ड और प्रीमियम प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नए प्रोजेक्ट के अपडेट आपको इसी तरीके से मिलते रहें। नीचे आप जो फेसबुक और इंस्टा आईडी देख रहे हैं वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। इस लोकेशन को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है मुकाई चौक, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे जैसी लोकेशन से। ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, डेली ग्रॉसरीज, ये सब भी आपको इन एंड अराउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 and 3 BHK के डबल बालकनी के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको लिविंग और मास्टर बेडरूम दोनों के साथ ही आपको बालकनी के ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर हम 2 BHK के कारपेट एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको 750 एंड 800 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वहीं 3 BHK का कारपेट एरिया है 1071 स्क्वायर फीट का। प्राइसिंग हम आपको वीडियो के एंड में रिवील करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट का टूर। तो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट को। इसका कारपेट एरिया है 1073 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पर आपको वीडियो डोर फोन इंस्टॉल करके दिया जाएगा, साथ ही यहां पर आपको डिजिटल लॉक भी दिया जा रहा है जिसे आप मल्टीपल वे से एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आपको काफी प्रीमियम फिनिश का एंट्रेंस डोर दिया गया है। साथ ही अगर हम अपने फ्लोर के लेआउट को देखें तो आपके फ्लैट के सामने यहां पर आपको कोई भी फ्लैट नहीं मिलेगा, जिससे यहां पर आपको कंप्लीट प्राइवेसी भी मिलेगी। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज है 4.6 by 4.6 का, और इस एंट्रेंस लॉबी से आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है डोर पर आए हुए किसी भी विजिटर से। यहाँ पर आप चाहें तो अपना शू रैक का भी प्रोविजन कर सकते हैं या फिर इसको आप आर्टिफैक्ट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। अंदर आने के बाद में हमें मिलता है लिविंग एरिया, जिसका साइज है 16 by 11.6 का। डाइनिंग एरिया का साइज है 9 by 5.6 का। और अगर अपने हम लिविंग और डाइनिंग एरिया के लेआउट को देखें तो ये हमें एल शेप में मिल रहा है, जिससे हम दोनों ही एरिया को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एक सेपरेट नीच दिया जा रहा है, जिसे आप एज अ पूजा स्पेस या फिर क्रॉकरी यूनिट के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी 4 to 6 seater डाइनिंग टेबल का भी प्रोविज़न कर सकते हैं। लिविंग एरिया में अगर अपने हम सीटिंग के अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से अपना एक सी शेप या एल शेप सोफ़ा का प्रोविज़न कर सकते हैं, अराउंड 4 to 6 seater का। बीच में आप चाहें तो अपनी सेंटर टेबल भी लगा सकते हैं। और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, जहां पर आप अपना एक बड़ा सा एलईडी यूनिट लगा सकते हैं। इसी से अटैच हमें मिलती है बालकनी। आ जाइए एक बार अपनी हम बालकनी को देखेंगे। सो इस तरफ आ जाती है हमारी स्पेशियस बालकनी, इसका साइज है 11.6 बाय 4.9 का, और ये बालकनी भी हमको 3 sides से कवर्ड ही मिलेगी, जिससे यहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो स्लाइडिंग डोर दिए गए हैं, इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही आपके स्लाइडिंग डोर्स भी 2/3 तक ओपन होते हैं। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो एंटी स्किड रहने वाले हैं, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है, जहाँ से आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। हमारे लिविंग और डाइनिंग एरिया से लगा हुआ ही हमें मिलता है किचन, जिसका साइज है 12.3 by 9.3 का, विद इनक्लोज ड्राई एरिया, और यहाँ पर आपको पैरेलल प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। अगर यहाँ पर अपने हम अरेंजमेंट्स को देखें तो इस तरफ आपको इनफ स्पेस मिल जाता है बड़े से रेफ्रिजरेटर यूनिट को लगाने के लिए। इस तरफ आता है हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म, और हमारे किचन अप्लायंसेस को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको इनफ पावर पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। इस तरफ आता है हमारा गैस स्टोव, और यहाँ पर आपको चिमनी का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। और यहाँ पर आ जाता है हमारा ड्राई एरिया, हमारे ड्राई एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक टाइल ड्रॉप भी दिया गया है। इस तरफ आपको एक SS सिंक दिया जा रहा है मूवेबल टैप के साथ में, साथ ही यहाँ पर आपको वाटर प्यूरीफायर का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट के साथ में। और इस तरफ यहाँ पर आप जो विंडो देख रहे हैं, इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। हमारे लिविंग और डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ते ही हमें मिलता है हमारा कॉमन एरिया, और हमारे डाइनिंग एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है कॉमन वॉशरूम। आ जाइए एक बार अपने हम कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं। सो इस तरफ आता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जहाँ पर आपको एक वॉल माउंट वाटर क्लोजेट दिया गया है, और यहाँ पर आपको बेथिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है।
आप यहाँ पर ये जो वॉल टाइल्स देख रहे हैं ये भी काफी रिच एंड ग्लॉसी फिनिश वाले हैं जो कि आपको सीलिंग हाइट तक मिलेंगे। ऊपर आपको एक्रेलिक की फॉल सीलिंग भी करके दी जाएगी। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहेंगे और यहाँ पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमारे ग्रोहे और अमेरिकन स्टैंडर्ड के रहने वाले हैं। पीछे आप ये जो लार्ज साइज विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ से एक्सेस मिल जाता है आपके सर्विस लेस को जहाँ पर आपके एसी के आउटडोर यूनिट रहने वाले हैं। इसके ठीक सामने है हमारा किड्स बेडरूम। आ जाइए एक बार अपने हम किड्स बेडरूम को देख लेते हैं। इस तरफ आता है हमारा किड्स बेडरूम जिसका साइज है 11x10 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डबल बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है। पीछे की तरफ आपको जो विंडो दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। मॉस्किटो को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको मेस भी दिया जा रहा है, प्लस आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर बाहर की तरफ ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको बे विंडो का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है जहाँ से बैठकर आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। किड्स बेडरूम के हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पर अपना एक स्टडी टेबल का भी प्रोविजन कर सकते हैं और सामने की वॉल पर आपको इनफ स्पेस मिल जाता है अपने एक बड़े से वार्डरोब यूनिट को लगाने के लिए। आ जाइए अपने हम आगे के बेडरूम्स को देखेंगे। यहाँ पर आ जाता है हमारा सेकंड या गेस्ट बेडरूम जिसका साइज है 12x10.6 का। आप देख सकते हैं आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक लॉबी स्पेस भी दिया जा रहा है और अंदर आने के बाद में हमें मिलता है अटैच वॉशरूम। हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्चर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेंगे, तो आप इसको देखते हुए हमारे गेस्ट बेडरूम की तरफ आ जाइए। यहाँ पर आ जाता है हमारा गेस्ट बेडरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डबल बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है। पीछे की तरफ आप ये जो विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही हमारे किड्स बेडरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको बे विंडो का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है जहाँ से आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है और इस तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपने एक बड़े से वार्डरोब यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम मास्टर बेडरूम को देखेंगे। यहाँ पर आता है हमारा स्पेशियस मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 13x11 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डबल बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक बड़ा सा वार्डरोब यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से अटैच हमें मिलता है हमारा मास्टर वॉशरूम। आ जाइए एक बार अपने हम वॉशरूम को देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा स्पेशियस मास्टर वॉशरूम जहाँ पर आपको एक प्रीमियम वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं। इस तरफ आता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट और यहाँ पर आपको बेडिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड और ग्रोहे के रहने वाले हैं। प्लस यहाँ पर आप ये जो वॉल टाइल्स देख रहे हैं ये भी काफी लार्ज साइज के रिच एंड मैट फिनिश वाले वॉल टाइल्स रहेंगे जो कि आपको सीलिंग हाइट तक मिलेंगे। ऊपर आपको एक्रेलिक की फॉल सीलिंग करके दी जाएगी। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहने वाले हैं। इस तरफ आप ये जो लार्ज साइज विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही इससे एक्सेस मिल जाता है आपको आपके सर्विस लेस से जहां पर आपके एसी के आउटडोर यूनिट रहने वाले हैं। आ जाइए अपने हम पर्सनल बालकनी को देखेंगे। इस तरफ आ जाती है हमारी पर्सनल बालकनी। इसका साइज है 11x3.6 का और ये भी हमको ऊपर से कवर्ड ही मिलेगी जिससे यहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो स्लाइडिंग डोर दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही मॉस्किटो को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको मेस भी दिया जा रहा है। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो एंटी स्किड रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एल शेप की रेलिंग दी जा रही है जहाँ से आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। अगर हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स को देखें तो 2.5 एकड़ के लैंड पार्सल में 21 फ्लोर्स के 3 टावर्स डेवलप किए जाएंगे और इसका पोजेशन है जून 2026 का। यहाँ पर आपको सारी प्रीमियम एंड लेविश एमिनिटीज देखने को मिलेंगी इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। अगर हम प्राइसिंग को देखें तो 2 BHK की प्राइसिंग शुरू होती है 57.5 लाख ऑनवर्ड्स, वहीं 3 BHK की प्राइसिंग शुरू होती है 82 लाख ऑनवर्ड्स। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा दी गई सर्विसेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ना ही यहाँ पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज अप्लीकेबल होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।